मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में आक्रामकता तेज होती चली जा रही है। इस बीच खबर यह है कि चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं का बीजेपी से पलायन जारी है। चुनावी साल में सिंधिया समर्थकों के बीच एक ये रुखसती जो है वो कई सारे सवाल भी खड़ी कर रही है और परेशानी भी। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि सिंधिया को छोड़कर कौन कौन जा चुके हैं, पार्टी छोड़ने के कारण क्या है और समर्थकों को बीजेपी में क्यों नहीं रोक पा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी या खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन सब के अलावा इस पर सिंधिया गुट क्या कुछ कह रहा है लोगों के जाने पर, लोगों के पलायन पर। दरअसल शुक्रवार को नीमच के वरिष्ठ नेता और सिंधिया के करीबी समंदर पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछले दो महीने में मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सिंधिया के करीब 7 करीबी नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी। सिंधिया के जिन समर्थकों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है उनमें अधिकांश ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया राजघराने का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। सिंधिया के सभी करीबियों को सीधे कमलनाथ ने कांग्रेस में शामिल कराया था। अब ये जान लीजिए पहले कि किन किन करीबियों ने बीजेपी छोड़ी है और उनका कौन कौन सा इलाका था, उसके बाद इसका पर्याय और इसका मायने आपको बताएंगे। चुनाव से पहले जिन नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है उनमें समंदर पटेल, बैजनाथ सिंह यादव, जयपाल सिंह यादव, यदुराज सिंह यादव, रघुराज धाकड़, राकेश गुप्ता, गगन दीक्षित, इन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि इनके अलावा कई और दिग्गज कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना के भी कांग्रेस में वापस आने की अटकलें तेज हैं। कंसाना दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं, 2020 में सिंधिया के बगावत में वो शामिल थे लेकिन उपचुनाव जरूर हार गए थे। सिंधिया के कहने पर कंसाना को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया। हाल ही में कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने भी यह दावा किया कि कंसाना पार्टी में वापस आना चाहते हैं, इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय के द्वार के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि कंसाना ने सफाई दी और सिंधिया के साथ रहने की ही बात कही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। कंसाना के अलावा ग्वालियर गुना के कई संगठन के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज है। कहा यह जा रहा है कि ये नेता टिकट को लेकर कांग्रेस हाईकमान से आश्वासन चाहते हैं, टिकट की हरी झंडी मिल गई तो तुरंत कांग्रेस का दामन भी थाम लेंगे। समर्थकों को बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इस पर भी अगर राजनीतिक विश्लेषकों की राय जाने तो 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे तो अपने साथ पूरे लाव लश्कर के साथ आए थे। ग्वालियर चंबल संभाग में कई जगहों से पूरी पूरी कांग्रेस ही उस वक्त बीजेपी में शामिल हो गई थी। इसके बाद कयास ये लगाए गए कि 2023 के चुनाव में इन इलाकों में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह से सिंधिया के करीबियों की वापसी हो रही है उसमें सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सिंधिया अपने समर्थकों को क्यों नहीं रोक पा रहे। बीजेपी के पॉलिटिकल जो एक कह लीजिए कि सिनारियो है, एक पॉलिटिकल जो उनकी परंपरा है उसमें शायद फिट नहीं बैठ पा रहे हैं ये नेता। सिंधिया के करीबी और संगठन के नेता राकेश गुप्ता ने जब शिवपुरी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक पत्र जारी किया था। गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और सम्मान न मिलने से मैं भाजपा से उसके कल्चर को समझ नहीं पा रहा हूँ। अब जानकार और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि बीजेपी से आए कांग्रेस के संगठन नेताओं को यहाँ का कामकाज समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो सत्ता के लालच में फिट नहीं बैठ पा रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ जो संगठन के नियम या कह लीजिए कि एक जो हर पार्टी की अपनी एक परंपरा, एक लाइन होती है उस पर शायद ये सारे नेता अनफिट हैं। दूसरी बड़ी वजह जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ किचन कैबिनेट के लोगों को ही सिंधिया ने पद दिलाया, बाकी लोग जो हैं वो सिंधिया पर ही आरोप लगाते रहे कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, उनको सही जगह नहीं मिली। लेकिन सिंधिया भी अगर देखिए तो वाकई में किसको किसको मंत्री बनाते, सिंधिया सिर्फ अपने किचन कैबिनेट के लोगों को ही पद दिलाने में बीजेपी में कामयाब हो पाए, इसलिए भी शायद बहुत सारे लोग उनसे नाराज दिख रहे हैं। बैजनाथ यादव ने जब सिंधिया का साथ छोड़ा तो वो खुद वहाँ चले गए और उनकी कोई नहीं सुनता, इस तरीके की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम राजनीति करने आए, जब लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर पाएंगे तो किस बात की राजनीति। सिंधिया की राजनीति को 20 साल के करीब से देख रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन दुबे कहते हैं कि बीजेपी के भीतर की कई दिग्गज नेता की जो वेटिंग लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि शायद सिंधिया का नंबर और उनके सहयोगियों का नंबर बहुत मुश्किल से आएगा।
ग्वालियर संभाग में ही प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया जैसे बड़े नेता हैं जो कि बिना पद के हैं। ऐसे में सिंधिया के लोग एडजस्टमेंट का काम कैसे कर पाए। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सिंधिया कांग्रेस में जब थे तो हाईकमान के बूते अपने लोगों को सेटल करने में, फिट करने में कामयाब होते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद यह नहीं हो पा रहा है। आने वाले दिनों में हो भी सकता है कि सिंधिया अकेले रह जाए, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ सरकार में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंडल बोर्ड में नियुक्तियां की, लेकिन पार्टी के भीतर ही विरोध के बाद कई पद खाली भी हो गए। इधर भविष्य की चिंता भी कई सारे सिंधिया समर्थक नेता कर रहे हैं, इसलिए शायद उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिंधिया का दामन छोड़ने वाले समंदर पटेल यादव सीट से टिकट चाहते थे। जावत सीट से उनकी टिकट न मिलने के बाद वो अब ये चाह रहे थे कि उन पर उतना ध्यान दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहां से जो मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा, उनका पल्ला भारी होने की वजह से सिंधिया ने समंदर को कोई भी आश्वासन नहीं दिया और ये भी नहीं कहा कि आपको वहां से टिकट मिलेगा। इसी बीच वो कांग्रेस की तरफ चले गए। इस तरह अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि उन्हें उस इलाके से टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें सिंधिया की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं मिला और पार्टी के साथ उनका बहुत ज़्यादा भविष्य भी नहीं दिखा, तो वो सिंधिया खेमे को छोड़कर, यानी बीजेपी को छोड़कर, वो कांग्रेस की तरफ चले गए। सिंधिया के साथ छोड़ रहे समर्थकों का ये भी कहना है कि चुनाव लड़ने वालों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। सिंधिया के कई समर्थक 2020 के उपचुनाव में भी हारे थे, इनमें इमरती देवी, इंदल कसाना, ये कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश के जो ये सब शामिल थे। लेकिन फिर भी अब ये कहना कि अगर आपको सही जगह नहीं मिल रही है तो आप तुरंत पार्टी छोड़ देंगे, तो ये तो कहीं से भी बहुत जायज़ नहीं लगता है। लेकिन हाँ, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में सिंधिया आने के बाद अपने लोगों को कहीं सेट करने में या सब लोगों को सेट करने में शायद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उनका साथ छोड़कर नेता घर वापसी कर रहे हैं, यानी बीजेपी से कांग्रेस की तरफ वापस जा रहे हैं। चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, देखना ये है कि सिंधिया के खेमे की ये नाराजगी और ये पलायन वो कैसे रोक पाते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।